टाइम टेबल बनाने से पहले आप लोग अपने गोल्स को दो पार्ट में डिवाइड करो। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, टाइम टेबल बनाने से पहले अपने गोल्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, पहला शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, मतलब टाइम टेबल बनाने से पहले आपको आपके माइंड में गोल तो क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल का मतलब समझा देता हूं। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है मंथली, वीकली और डे वाइज गोल, इनको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। मंथली गोल, वीकली गोल एंड डे वाइज गोल, इनको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल होता है वन ईयर गोल, कि मेरा एक्चुअली टारगेट क्या है, मुझे नीट में रैंक बनाना है, मुझे बोर्ड में टॉप करना है, मुझे जेई में रैंक बनाना है, ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो पहले तो अपना गोल डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड कर लिया, बस उसके बाद आप टाइम टेबल बनाने के लिए बैठो। जब मैंने आपको कहा कि आपको शॉर्ट टर्म गोल भी बनाना है, मंथली वीकली है ना, उसका मतलब समझा देता हूं। मंथली शॉर्ट टर्म गोल कैसे बनेगा, एक सब्जेक्ट उठाओ, सोचो कि इस मंथ में मुझे ये चैप्टर खत्म करने हैं, ये मंथली गोल होते हैं, इसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। फिजिक्स में मैं दो चैप्टर तीन चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में, केमिस्ट्री में चार चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में, बायो में मैं पांच चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में, इस तरह से आपका मंथली गोल होना चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म गोल होता है। वीकली गोल कैसे बनता है, इस चैप्टर को मुझे इस वीक में ये सारे टॉपिक खत्म करने हैं, वीकली गोल। और डे वाइज गोल कैसे होता है, मुझे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और जितना मुझे पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन पाठशाला में, मुझे उसका रिवीजन करना है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाने आप सीखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइम टेबल कभी भी जो पेज पे लिखा है वो जनरलाइज होना चाहिए, जनरलाइज, और उस पर हर दिन उस पर वेरिएबली आप लोगों को काम करना रहता है।